हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। जनरली मैंने देखा है कि जो बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दिए जाएँ तो उनको बहुत इशू आते हैं। स्पेशली मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का बच्चा कैसे भी रट रटा के एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगा लेता है, लेकिन जैसे ही अगर मैं एनसीईआरटी के अलावा कोई और क्वेश्चन दे दूँ या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों के दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है, जल नहीं जाती है। इसका रीज़न पता क्या है कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है। एनसीईआरटी तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बुक है, उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाइए कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और इनमें आपस में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी के लिए आज का ये लेक्चर आपको डेडिकेटेड है, और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 CBSE का आपको एक फोल्डर मिलेगा। वहाँ से आप जितने भी अपार्ट फ्रॉम NCERT हैं वो सारे आप लगा सकते हैं, NCERT एग्जाम्पल लगा सकते हैं। NCERT का फोल्डर अलग है, अगर आपने NCERT ही नहीं लगाई है तो आप वहाँ से NCERT भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे एडोकाजोन बुक से। ये सैम्पल पेपर है और इसके आपके मैथ्स के, साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के, SST के सारे सैम्पल पेपर आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपने घर मंगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दे रखा है कि अगर हमारे पास 1 + sin²θ किसके बराबर हो, 3 sin θ cos θ के बराबर, तो वैल्यू 10θ की ये प्रूफ करना है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो 10θ है ही नहीं, तो लेकर कैसे आए हम, लेकर कैसे आए 10θ। तो 10θ लाने के लिए हमें सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, है ना। कैसे, अब देखिए इसके हिसाब से अगर मैं 10θ की बात करूँ तो 10θ का एक फॉर्मूला होता है कि 10θ इज इक्वल टू sin θ / cos θ, होता है नहीं होता है, है ना। अब आप बोलोगे सर 10θ एक और होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप बोलेंगे सर 10θ एक और होता है क्या, होता है 1 / cos θ। तो यार ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, लेकिन क्वेश्चन की नीड के हिसाब से हमें ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ करना है। अब जैसे हमें साइन कॉस दे रखा है तो डेफिनेटली यही वाला लगेगा, कौन सा, ऊपर वाला। अब इसको टेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 बनाने के लिए आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, डिवाइड बाई cos²θ / both sides। अब देखो यही तो होता है, अब ये बात टीचर के दिमाग में तो फट से आ जाती है, लेकिन बच्चे के दिमाग में कैसे आएगी। तो इसके लिए आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लगाना है, और ये क्वेश्चन लगाने के लिए आप एडोकाजोन आपका सैंपल पेपर है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उससे प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए 1 + sin²θ को डिवाइड करिए किससे, cos²θ से, और 3 sin θ cos θ / cos²θ। एक cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे अलग अलग लिख लीजिए, है ना, और +sin²θ / cos²θ। एक ही ट्रिक होती है इसके अंदर, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस एक ही ट्रिक से ही काम चल जाता है। देखो ये क्या बचेगा, 3 sin θ / cos θ। अच्छा cos का उल्टा क्या होता है, sec, तो ये हो गया sec²θ। sin / cos अभी बताई मैंने क्या होता है, 10, तो ये हो गया 10²θ, और 3 ये क्या हो गया, 10θ sin / cos। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा अब तुम्हें लाना 10 है तो आप पूरा 10 में ही चेंज कर लीजिए। तो आइडेंटिटी होती है sec², की क्या आइडेंटिटी होती है, sec²θ होता है 1 + tan²θ, ये आइडेंटिटी होती है, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan²θ + tan²θ, 1 + tan²θ इसका आ गया, tan²θ ये आ गया, इसको इधर ले आओ, ये माइनस का कितना हो गया, 3 tan θ = 0, राइट। tan², कितना हो गया, 2 tan²θ -3 tan θ और +1 = 0। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसके अंदर वेरिएबल कौन है, 10θ है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप मान लीजिए
कि टेन थीटा की जगह अगर मैं एक्स रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। टू वन जा टू, टू के ऐसे फैक्टर जिनका सम थ्री आना चाहिए, जिनका सम कितना आना चाहिए, थ्री, तो क्या हो जाएंगे फैक्टर, टू और वन, तो माइनस का टू एक्स माइनस का वन एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से टू एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और इधर दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वन आ गया, यहाँ से एक्स टू एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू आ गया, राइट। अच्छा, एक्स मैंने क्या माना था, टेन थीटा, है ना, सो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, वन, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, वन बाई टू, है ना। आप बोलेंगे सर ये एनसीईआरटी के अंदर तो ऐसे नहीं है, तो ऐसे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप चैनल के साथ बने रहें, फोल्डर में जाइए, फोल्डर में आपको बहुत सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, टू टू मार्क्स के, थ्री थ्री मार्क्स के, ये भी आप आसानी से लगा सकते हैं।